तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमारे पास स्विच स्टेटमेंट है, बिल्कुल इसकी तरह काम करती है। इसका जो सेंटेक्स है लिखने का, सबसे पहले आप स्विच लिखेंगे, फिर एक्सप्रेशन बताएंगे कि क्या टेस्ट करना है, उसके बाद जितने कंडीशन उस पर लगानी है उनको केस के ज़रिए आप डिफ़ाइन करेंगे, और फाइनली उसमें डिफ़ॉल्ट का सेंटेंस भी यूज़ करेंगे। अब केस के साथ एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट, जहाँ पे वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो यहाँ पे इसको ये बाहर आ जाए सिचुएशन से। लेकिन इसमें एक बात जो समझनी है वो ये है कि द एक्सप्रेशन ऑफ ईच केस स्टेटमेंट इन द ब्लॉक मस्ट बी यूनिक। दो केस एक जैसे आप डिफाइन नहीं कर सकते, और द एक्सप्रेशन ऑफ फॉलोइंग द वर्ड केस मस्ट बी एन इंटीजर लिटरल और कॉन्स्टेंट, इट कैन नॉट बी अ वेरिएबल और कैन नॉट बी एन एक्सप्रेशन सच एज। देखें, अगर कोई आपसे सवाल ये कर ले कि भाई अगर इफ़ कंडीशन ऑलरेडी मौजूद थी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ये स्विच स्टेटमेंट की क्या ज़रूरत थी बनाने की, तो इसका जवाब ये नोट है, इसको याद कर लें, हमेशा याद रखें। कह रहा है द एक्सप्रेशन ऑफ फॉलोइंग द वर्ड केस मस्ट बी एन इंटीजर लिटरल और कॉन्स्टेंट। कह रहा है कि जब भी आप कोई केस डिफाइन करेंगे तो वो कोई इंटीजर लिटरल होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। इंटीजर लिटरल कांस्टेंट को ही कहते हैं, या फिर कोई कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। इट कैन नॉट बी अ वेरिएबल, वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। एंड कैन नॉट बी एन एक्सप्रेशन, और कोई एक्सप्रेशन भी नहीं लिख सकते, जैसे इफ़ के साथ हम लिख रहे थे इफ़ वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाले एक्सप्रेशन भी आप इस पे यूज़ नहीं कर सकते। यही इसका जवाब है। अगर आपसे कोई सवाल कर ले व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इफ़ एंड स्विच स्टेटमेंट, तो आप कहेंगे इफ़ स्टेटमेंट में तो हम इंटीजर लिटरल भी यूज़ कर सकते हैं, कंडीशन के अंदर कांस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, और एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्विच स्टेटमेंट में हम या तो यूज़ करेंगे इंटीजर लिटरल, यानी कि इंटीजर कांस्टेंट और कांस्टेंट एक ही बात है, ठीक है। एंड इंटीजर लिटरल और कांस्टेंट, बस इसमें ये यूज़ हो सकता है केस में, और हम यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल और कोई भी एक्सप्रेशन। तो अब आइए इसको हम देखते हैं, एक प्रोग्राम की सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, कह रहा है चार चॉइस, ठीक है, एक वेरिएबल लिया है कैरेक्टर का, और इसमें इसने कहा है इंटर ए बी सी, कोई भी इंटर ए और बी और सी कोई भी इंटर करें, और इसमें इनपुट लिया है सी इन करके चॉइस वाले वेरिएबल के अंदर। अब ये सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल है चॉइस, जो कि एक कोई भी वैल्यू का इनपुट लेगा सिंगल कैरेक्टर का, और स्विच करके चॉइस वाले वेरिएबल को हम चेक करेंगे। उसके अंदर हमने जाके केस डिफाइन किया। देखिए, केस में कोई भी हमने लिखा था इंटीजर लिटरल या कांस्टेंट हो सकता है, तो ये कांस्टेंट ही डिफाइन किया। यहाँ पर हम वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं लगा सकते ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू वाले। हाँ, बस ये ध्यान में रखें, अगर कैरेक्टर होगा तो उसको सिंगल कोट में लिखेंगे, नंबर होगा तो उसको हम विदाउट सिंगल कोट चेस करेंगे। तो केस ए चेक करो, अगर इसमें ए आया है तो ये वाला कोड रन करो, और ब्रेक स्टेटमेंट, ये भी कमांड का हिस्सा है, अगर ये हमने ए डाला और ए ही परफॉर्म हो गया तो ये ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे इस बाकी बी और सी को रीड नहीं करेगा, और ये इसके ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। सिमिलरली, अगर यहाँ पर ट्रू हुई स्टेटमेंट तो फिर ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। सिमिलरली, अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं कोई कैरेक्टर डाला और ये इनमें से कोई कैरेक्टर डाला तो इनमें से कोई नहीं डाला तो फिर ये वाला कोड परफॉर्म करेगा और यहाँ से ये ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। अभी आइए इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डी एफ सी प्लस प्लस का हमने कंपाइलर खोला, और यहाँ पे जाके इसको लिखने की कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम को इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आके हमने फाइल में जाके यहाँ से एक न्यू फाइल ली, और यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया। तो जैसे ही सेव किया तो सक्सेस वाले फोल्डर के अंदर हमने जाके इसको सेव कर दिया है। क्लास कौन सी कर लेते हैं, क्लास 15 कर 16 कर लेते हैं, स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेट, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्विच स्टेटमेंट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये स्विच स्टेटमेंट की जो हमारी क्लास है, इसमें हमने यहाँ पे हैश इंक्लूड और यहाँ पे आई ओ स्ट्रीम ऐड कर दिया है, ठीक है। और यूजिंग नेम स्पेस जो लिखते हैं हम, स्पेस एस टी डी भी लिख दिया है, और यहाँ पर हमने इंटीजर मेन करके एक फंक्शन ऐड करा दिया है।
क्या ब्लर हो रहा है? बाकी सबका भी ब्लर हो रहा है या सिमरन का ब्लर हो रहा है? देखिए जरा। अरे अच्छा ही कौन एक बार जो आई कौन ना मतलब उधर केड़ी लिंक कोई मतलब पांजो यो आई कौन तू के में इंजर स्क्रीन दोबारा तुझे शेयर कर शादी हो देता हूँ मैं जी स्टॉप शेयरिंग करके। ओके, अब मैंने दोबारा से शेयर कर लिए, सही आ रही होगी। तो अब यहाँ पर हम अपना जो कोड है वो उसको लिख रहे थे स्विच स्टेटमेंट का। तो हमारे पास जो कोड है यहाँ पर, यहाँ से ले लेते हैं और इस कोड को हमने आपके लिए यहाँ पर रख दिया। इसमें से कुछ नंबर्स एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये प्रोग्राम कोड हमारे सामने आ गया है। अब इसको हम समझ के परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोग्राम में ये कह रहा है कि एक सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी टाइप 4 है और उसका वेरिएबल का नाम है चॉइस। सी आउट करके हमने यूज़र को चॉइस दी है कि इसमें से ए बी और सी कोई भी इंटर करे। तो जो भी ए बी सी इंटर करेगा तो वो चॉइस वाले वेरिएबल पे चला जाएगा। तो स्विच स्टेटमेंट से हमने इसको चेक कराना है। तो स्विच स्टेटमेंट में हमने लिखा स्विच और स्विच का जो कंडीशन ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर हमने ये वेरिएबल को डाल देना है। अब इसकी जो कंडीशन थी वो ये थी कि केस जितने भी बनेंगे, केस इज़ द कंडीशन, तो जितने आप केस बना सकते हैं बना लें। तो हमने कहा केस ए, ए का मतलब है कि अगर इस वेरिएबल में ए को कोई पुट करता है तो, क्योंकि कैरेक्टर है सिंगल तो उसको हमने सिंगल कोट में लिखा है। इस तरह केस बी, केस सी, और उसको फिर हमने डिफ़ाइन करा है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से डिफ़ाइन करा है हमने, और डिफ़ॉल्ट में फिर हमने लिखा है ये जो हमारा मामला था इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से डिफ़ॉल्ट में लिख दिया है। तो अब यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि कैसे चलेगा। देखिए इसमें केस कमांड है, ए बी सी ये इनपुट की चॉइसेस हमने दी हैं, और कॉलन कमांड का हिस्सा है, सी आउट जो हम चाहते हैं परफॉर्म करें, ब्रेक कमांड है। अगर ये परफॉर्म हुआ तो सिर्फ यही कोड चलेगा और ब्रेक स्टेटमेंट इस वाले ब्लॉक से हमारे प्रोग्राम का जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो बाहर निकाल के मेन प्रोग्राम में ले आएगा। फिर ये और ये चेक नहीं होगा। इसी तरह अगर ये परफॉर्म हुआ तो फिर ये वाला कोड चलेगा, और फिर ये और ये और ये परफॉर्म नहीं होगा और जो हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर है इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर चॉइस में ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, तो सिर्फ ये वाला कोड परफॉर्म होगा और यहाँ से ये इसमें से बाहर आ जाएगा। तो अब करना ये है कि प्रोग्राम को चलाते हैं, यहाँ से F11 दबाया, जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम हमारा रन हुआ। तो यहाँ पर हमें चॉइस दी, हमने लिखा बी, तो सिर्फ बी वाला कोड चला। अब आप कहेंगे सर बी वाला तो कोड चला ही नहीं, बी पे तो लिखा था यू एंटर्ड बी और कोड चला है डिफ़ॉल्ट वाला। तो यहाँ पे एक मसला है और उसको समझिए, वो मसला क्या है। हमने केस में कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी बताया है, देयर फॉर ये जो स्मॉल बी है वो मैच नहीं होता है इनसे, तो इसलिए उसने डिफ़ॉल्ट वाला कोड चला दिया। वेयर एज अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से चलाऊँ और इसमें मैं कैपिटल ए इंटर करूँ, सपोज़ टू बी कैपिटल ए, तो अब देखें हम ए वाला कोड चलेगा। और यहाँ पे दोबारा प्रोग्राम चलाते हैं और कैपिटल बी इनपुट करते हैं तो अब हमारा बी वाला कोड चलेगा जो कि ये वाला है। इस ए और सी वाला और डिफ़ॉल्ट वाला कोड नहीं चलेगा। सो अब इसका सलूशन क्या है कि अगर ए और बी को लिखा जाए साथ, तो हम इसी केस को दोबारा से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो वंस अगेन, लेकिन उसने कहा था कि एक केस जो आपने डिफ़ाइन कर दिया है उसको रिपीट नहीं करना, तो हम चेंज कर लेते हैं इसके साथ। कैसे चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल ए, यहाँ पे स्मॉल बी और यहाँ पे स्मॉल सी की वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही वैल्यू इनपुट कर रहे हैं और हम इसको रन कर रहे हैं प्रोग्राम को यहाँ से, तो यू कैन सी कि यहाँ पर देखिए ए बी और सी आ रहा है। अब मैं स्मॉल ए लिख रहा हूँ तब भी मुझे दिखा रहा है यू एंटर्ड ए, क्योंकि अब वो ये वाले कोड को परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आउटपुट सेम है तो वो हमें उसी तरह का आउटपुट दे रहा है। और इस तरह से अगर हम लिख रहे हैं केस बी में, सपोज टू बी बी स्मॉल लेटर्स में इनपुट कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने यहाँ पे बी लिखना है भी रन जाए तो वो बी वाला कोड रन कर रहा है। और अगर इनसे हट के कुछ और हम लिख रहे हैं, लेट सपोज अगर हम यहाँ पे कुछ और लिख रहे हैं, सपोज टू बी
जे लिख रहे हैं तो उसमें कह रहा है यू डिड नॉट इंटर ए बी सी, और ये इस तरह से हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम क्लिक करके समझ गए कि स्विच स्टेटमेंट को कैसे हमने परफॉर्म करना है। आइए एक और एग्जांपल में स्विच स्टेटमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक और प्रोग्राम दिया है, द स्विच स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम टेल्स यूजर समथिंग ही और शी ऑलरेडी नोज द डेटा जस्ट एंटर्ड। तो इसमें क्या किया है, प्रोग्राम को समझने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है। तो इसमें भी एक्सप्रेशन ए और बी सी का दिया है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कैरेक्टर च्वाइस, और इनपुट लिया उसने किसके अंदर, सी आउट ए बी और सी में, और सी इन करके च्वाइस के अंदर इनपुट लिया। जैसे ही इनपुट लेगा तो च्वाइस को हमने स्विच के ज़रिए चेक करवाया कि क्या यूज़र ने एंटर किया है। अब यूज़र अगर ए बी और सी में से कोई इनपुट करेगा, तो अगर ए इनपुट करेगा तो ये वाला मैसेज आएगा, अगर बी इनपुट करेगा तो ये वाला मैसेज आएगा, और अगर सी इनपुट करेगा तो ये वाला मैसेज आएगा, और अगर इनमें से कोई भी इनपुट नहीं करेगा तो ऑलवेज़ ये वाला कोड परफॉर्म होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्विच स्टेटमेंट की। यहाँ पे देखिए द प्रोग्राम इज़ केयरफुली कंस्ट्रक्टेड टू यूज़ द फॉल थ्रो फीचर ऑफ द स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या किया है कि यहाँ पर मेन प्रोग्राम के अंदर एक जो है इन्होंने वेरिएबल लिया है इंटीजर मॉडल नंबर के नाम से, ये कमेंट्स हैं यानी कि जो मॉडल नंबर का लिए यूज़ किया गया है, जो भी नंबर्स में डाला जाएगा। और यहाँ पे एक मैसेज दिखाया गया है आवर टी वी एस कम इन थ्री मॉडल्स, हमारे टी वी तीन मॉडल में आते हैं, यूज़र को मैसेज दिखाई देगा। और यहाँ पे सी आउट करके 100, 200, 300 विच डू यू वांट, अब ये एक मैसेज नजर आएगा 100, 200 या 300 कौन से मॉडल का टी वी चाहते हैं मैसेज नजर आएगा। अब इनपुट ले आया जा रहा है वहाँ पे कैरेक्टर के अंदर, यहाँ पे नंबर वाले वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पे इनपुट लेके ये प्रोग्राम चलेगा। चले आइए इस प्रोग्राम को भी टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर का नंबर का प्रोग्राम है कि नंबर को कैसे टेस्ट करना है। ऊपर हमने कैरेक्टर को टेस्ट किया था स्विच स्टेटमेंट के जरिए। तो यहाँ पर हम जाके अब कुछ बुनियादी कोड हम पहले यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी कर लिया, कंट्रोल एन करके न्यू फाइल लेके इस पर ही पेस्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पर जाके मैंने इसको ब्रैकेट को ओवर कर दिया, सी आउट करके यहाँ पर एंडल लगा दिया, और सिस्टम को मैंने यहाँ पर सिस्टम को यहाँ पर मैंने पास कर दिया। और रिटर्न मैंने यहाँ पे ज़ीरो कर दिया। अब उस प्रोग्राम कोड को हम यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये प्रोग्राम कोड चाहिए। तो मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से, और कॉपी करके यहाँ से इस कोड को इसके बीच में पेस्ट कर दिया, ठीक है। कुछ नंबर एक्स्ट्रा थे तो यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से इसको भी मैंने निकाल दिया। वॉइस सही रही आपकी, मैं इसकी वॉइस को म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया, और नेक्स्ट प्रोग्राम का जो पार्ट था वो हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इसको फिर से आपकी एग्जांपल के ऊपर हमने इसको समझने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल बताया जा रहा है कि किसी नंबर को टेस्ट करना हो तो कैसे करेंगे। पहले आपको सिंगल कैरेक्टर को टेस्ट करना बताया था, अब नंबर को टेस्ट करना बताया जा रहा है। तो इसमें देखिए आपने क्या करना है